हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अदर व्लॉग। तो हम आ चुके हैं अपनी किचन में, जाना है स्कूल। आज लंच में हम क्या बना रहे हैं आपको बताती हूँ। तो आज की रेसिपी होने वाली है जो कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। ये तो मटर है जिसको सब जानते हैं, तो मैं बनाने वाली हूँ कुछ मटर का पराठा। और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। इससे पहले मैंने सारे पराठे ट्राई करे हैं, पर मैंने मटर का पराठा फीलिंग वाला कभी नहीं बनाया है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फटाफट से मटर तो मैंने ले लिए, अब इसके आगे क्या करना है बताती हूँ। यहाँ मैंने सबसे पहले कढ़ाई ली है और थोड़ा सा तेल डालूँगी, हल्का सा, मटर को भूनने के लिए। यहाँ गया थोड़ा सा जीरा और हींग। हींग और जीरे के साथ मैं जो हमारी मटर है जो मैंने धो के रखी है इसको मैं भून लूँगी, और फ्राई करना है। वैसे काफ़ी जगह मैंने देखा है कि प्याज सब कुछ इसी में मिक्स करके भून लेते हैं, बट मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ, मतलब अपने तरीके से बना रही हूँ। और वो मैं देखूँगी कि कैसा बन रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ मैं। तो इसमें सिर्फ मैं मटर भूनूँगी और कुछ नहीं। तो ये गर्म हो चुका है, थोड़ा इसको और ब्राउन कर लेंगे, बस जलाना नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो ये गई मटर, डालते ही ढक लेना है क्योंकि जो ऊपर आने लग जाती हैं। कुछ एक मिनट में मैं फिर पलटे से घुमाऊँगी, तो मटर उछल उछल के मेरे मुंह पे आने लगी थी। खाना बनाते वक्त ये सब भी ध्यान रखना पड़ता है। एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ है अपना फोन और एक हाथ से मैं यहाँ कर रही हूँ कुकिंग। यहाँ पे ये भून चुका है, इसको प्लेट में निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। जब तक मटर ठंडी हो रही तब तक मैं कट कर लूँगी प्याज। तो यहाँ पे प्याज हरी मिर्ची कट चुकी है। प्याज हरी मिर्ची थोड़ी मोटी कटी है, बट मैं ऐसे ही काटती हूँ, आप लोग बारीक काट लेना। और यहाँ मैंने अपनी बहन को काम दिया है आटा गूंदने का, जिसने अपने हाथों पे भी आटा लगा लिया। और एज यूजल जैसे कि मैं बताती हूँ कि हमारे घर में बर्तनों की कमी है, परात नहीं है, तो ये इस भगोनों में ही हमेशा आटा गूंदती है। ये रखा परात सामने, लेकिन फिर भी इसी में आटा गूंदती है क्योंकि इसको इसमें मज़ा आता है। मुझसे तो नहीं गूंदा जाता छोटे से बर्तन में, बट इसको एक्सपीरियंस है गूंदने का। तो प्याज कट चुके हैं मेरे, हरी मिर्ची भी कट गई है और ये ठंडा हो गया। तो मैं सिर्फ इसको ही मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। मैंने इसको सिर्फ इस लेवल तक का ही पीसा है। देखो हल्का सा ये मोटा मोटा सा है, दरदरा टाइप का। और क्योंकि इसका पेस्ट बन जाएगा तो ये उतना मतलब स्टिकी हो जाएगा और पराठा फटने के चांसेस हो सकते हैं मेरे हिसाब से। और वैसे मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, मैंने कोई वीडियो वगैरह भी नहीं देखी है, अपने से एक्सपेरिमेंट करके बना रही हूँ, बट देखते हैं कि ये कैसा बनता है। तो ये जो मेरा प्याज है इसके अंदर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसमें मैंने तीन चार क्या कहते हैं उसको, हाँ, लहसुन की कली और थोड़ा सा अदरक, उसको भी साथ में ग्राइंड कर लिया है। अब इसको मिक्स करेंगे, मसाले डालेंगे। हाँ, मैंने सूखा धनिया लिया है, उसको मैं अभी और क्रश कर रही हूँ और क्रश करके अपने पेस्ट में मिलाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्का सा गर्म मसाला, अजवाइन, काली मिर्च और सूखा धनिया तो मैंने दिखाई दिया था, क्रश करके डाल दिया। अब इसमें बस सिर्फ नमक डालने की बारी है, वो मैं ऊपर से डालूंगी। अभी मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ हाथों से पहले। ये देखने में जितना सही लग रहा है, काश अच्छा बने। यहाँ मिला दिया मैंने नमक
और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ओह, एक चीज़ और रह गई है, धनिया पत्ती रह गई है, अभी मुझे धनिया कट करके डालना ऊपर से। चलो इसको मिक्स करके फिर डाल लूँगी। धनिया पत्ती भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया और यहाँ तवा भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया। अब स्टार्ट करते हैं अपना पराठा बनाना। पहले जो लोई है वो मैंने थोड़ी सी मतलब पतली ली है, ज़्यादा मोटी नहीं ली है, अभी देखती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं पतले पतले पराठे बनाऊँ। देखते हैं कि ये कैसा होता है। बहुत ही आराम से नरम नरम हाथों से डरते हुए मैं इसको बंद कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी हो गया है और डर लग रहा है कि ये फटे नहीं। अगर ये फट गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार। मेरा पहला पराठा एकदम सही बना है, एकदम परफेक्ट। और अब इसको डालेंगे तवे पे। देखो कहीं से भी कुछ ब्रेक नहीं हुआ। अब जल्दी से सारे पराठे बना लूँगी। यहाँ लगाएंगे हम ऑयल अच्छे से। देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, इसे मुझे कलरफुल टाइप का लग रहा है। मतलब वैसे तो इसमें ग्रीन कलर ही ज़्यादा है, बट फिर भी हरा भरा मटर का पराठा। आज कैप्शन भी मैं यही डालूंगी, हरा भरा मटर का पराठा। उसे अच्छे से सेक लूंगी। वाओ कितना अच्छा लगता है ना जब मेहनत करके कोई चीज बनाओ वो परफेक्ट बन जाती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे लग रहा था कि सारे पराठे तो मैं बना लेती हूँ बट वो फटते नहीं है, और मटर का पराठा कहीं फट जाएगी सब। बट मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और परफेक्ट बना। जल्दी से सारे पराठे सेक लूँगी। यहाँ चढ़ा दी मैंने चाय, अदरक डाल दिया, पराठे डन हो चुके हैं। अब बनेगी अदरक वाली चाय और तब तक मैं पराठे अपने पैक कर लूँगी लंच बॉक्स में। यहाँ ले लिया हमने बटर पेपर, यहाँ मेरे गर्मा गर्म दो मटर के पराठे, इसको कर लूँगी अच्छे से पैक। तो लंच पैक, अब मैं जा रही हूँ फटाफट रेडी होने। तो मैं जाते वक्त सुबह का व्लॉग एंड करना भूल गई थी और मुझे याद ही नहीं रहा। स्कूल में जाके याद आया कि अरे मैंने व्लॉग तो किया ही नहीं रेडी होके। बट अब मैं घर पहुँच चुकी हूँ और ये देखो बदमाश शैतानी, देखो मेरी चुन्नी के साथ मेरी स्टोल के साथ कैसे लड़ रहा है ये देखो। इसकी शैतानी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। सिम्बा ये मेरी स्टोल है, ये खाने की चीज नहीं है, हर चीज इसे मुंह में लेनी होती है। हाँ गुर्राना भी होता है, देख लोग देख रहे हैं तू कितना गंदा बच्चा है, देख 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 रहे हैं, देख तू कितना शैतान रिटीवर है, कहाँ से गोल्डन रिटीवर तू, छोड़। तो अभी इसके साथ तो थोड़ा ऐसे खेलना चलेगा। इस ब्लॉग को मैं करूंगी यहीं पे एंड, आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप इस ब्लॉग को देखना, लाइक करना एंड न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।